अच्छा रिकॉर्डिंग भी कर लेते हैं। मुझे बताओ आज की फीचरिंग है किस मॉडल की? 140 GT। आराम से हो। अच्छा अस्सलाम वालेकुम, चले वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और आज की फीचरिंग में हमारे पास लैपटॉप का मॉडल है HP 840G2, जो कि स्टूडेंट्स और प्रोफेसर के लिए बड़ा एक्साइटिंग होने वाला है। और उसकी कुछ चंद एक रीज़न्स मैं आपको बताता चलूँ, जिसमें हम फर्स्ट ऑफ ऑल बात करेंगे इसके पोर्ट्स की। तो इसका जो राइट साइड प्रोफाइल है, तो राइट साइड प्रोफाइल पे हमें आती है एक DC जैक देखने को मिलता है, जो कि HP स्टैंडर्ड आता है, और डॉकिंग स्टेशन है, और उसके बाद RJ45 अथरनेट जैक है जो कि क्लिपर वाला है, और दो USB 3.0 पोर्ट हैं, और एक साथ में फुल साइज़ D पोर्ट है, और एक डुअल ऑडियो 3.5 mm जैक, और फुल साइज़ SD कार्ड स्लॉट जो कि हमें बैक पर देखने को मिलती है। और अगर हम बैक प्रोफाइल पे आ जाएं, तो बैक प्रोफाइल पे नॉर्मल किंसिंगटन लॉक, हीट सिंक की ग्रिल्स, और फुल साइज़ VGA पोर्ट, और दो 3.0 पोर्ट, और एक SK स्लॉट फिलर देखने को मिलता है। और अगर हम इसकी बैक पे जाएं, तो बैक साइड पे हमें जस्ट सिंपल हेलमेट पैकेट की जो ब्रांडिंग है वो देखने को मिलती है, और टॉप प्रोफाइल पे HP की नॉर्मल लोगो पंच हुआ हुआ है। और अगर हम इसको उल्टा करके देखें कुछ इस तरीके से, तो जहाँ पे विंडोज़ प्रो का लोगो, और साथ में नीचे जो है इसकी डाउन साइड पे HP लीडबुक 840G2, और कुछ मैनुअल वर्क जो है ना वो किया गया है, और साथ में इसके ये जो है स्क्रूज लॉक्स और बाकी ओवरऑल चीज़ें हैं इसकी। तो बाकी इसकी हार्डवेयर की तरफ बाद में आते हैं। और इसकी अभी अपेयरेंस की बात की जाए, तो अपेयरेंस में जैसे ही हम लैपटॉप ओपन करते हैं, तो इसका फर्स्ट लुक हमें देखने को मिलता है, जिसके फोरहेड के ऊपर हमें सिंपल 840 लिखा हुआ है, और इसके अलावा कुछ भी नहीं है। और अगर हम देखें फोरहेड के बिल्कुल सेंटर में एक कैमरा दिया गया है, एक वेबकैम दिया गया है, एक नॉइस कैंसलेशन माइक दिया गया है, एक प्राइवेसी लाइट दी गई है, और दैट्स इट। बेजल्स काफ़ी थिक रखे गए हैं, और इसकी चिन के ऊपर HP की सिल्वर कलर में ब्रांडिंग, और दैट्स इट। और अगर हम देखें इसके मेन सी पैनल को, जहाँ पे हमें ओवरऑल सारी चीज़ें देखने को मिलती हैं, तो जिस पे लेफ़्ट साइड पे पावर बटन, राइट साइड पे हमें वाईफाई और वॉल्यूम लॉक स्विच दिया गया। बटनों के साथ ही इसकी स्पीकर्स ग्रिल दी गई है, जो कि काफ़ी उसका डिज़ाइन जो है काफ़ी स्लीक रखा गया, जो कि कंप्लीट। हालांकि स्पीकर्स की ऑप्शन सिर्फ दो ही होंगी, एक यहाँ पे और एक यहाँ पे, या फिर दोनों मिड के अंदर, ओपन करेंगे तो पता चल जाएगा। मगर इसको एज अ डिज़ाइन उन्होंने पूरी ग्रिल जो है ना स्पीकर की बना दी, कि जिससे साउंड इसका काफ़ी वाइब्रेंट होकर सामने आए। तो इसके कीबोर्ड की अगर बात करें, तो इसका कीबोर्ड जो है हमें बैकलाइट में देखने को मिलता है, US सिंपल कीबोर्ड है, सेंटर में पॉइंटर दिया गया है, और इसके ये फिंगरप्रिंट लॉक की ऑप्शन छोड़ी गई है। मगर मेरे पास जो मॉडल अवेलेबल है, इसमें फिंगरप्रिंट सेंसर अवेलेबल नहीं है, वैसे इसमें ऑप्शन छोड़ी गई है, मतलब अगर आफ्टर मार्केट आप इसमें लगवाना चाहें तो विच इज़ पॉसिबल, जो कि लग जाएगा। और अगर हम देखें इसके पॉइंटर ट्रैक पैड की, तो इसमें हमें डुअल क्लिकर्स दिए गए हैं ऊपर नीचे, और आर्मरेस्ट की स्पेस काफ़ी ज़्यादा है, जिससे हम अपने टाइपिंग करते वक्त काफ़ी इजीली इस पर वर्क कर सकते हैं। और अगर हम देखें इसके टच पैड की, तो इसमें स्क्रॉल जोन भी दिया गया है, जो कि डुअल जेस्चर के साथ आता है। तो ये तो थी इसकी ओवरऑल लुक जो है। अभी अगर हम बात करें इसकी हार्डवेयर स्पेसिफिकेशन की, तो लैपटॉप ऑन करते हैं और आप भी देखें, मैं भी देखता हूँ कि इसमें क्या कुछ देखने को दिया गया। लैपटॉप जब तक ऑन हो जाए, तो विंडोज़ का लोगो अभी तक सामने आ रहा है, और बैकलाइट कीबोर्ड, अगर मेरा कैमरा दिखा सके आपको, तो कुछ इस तरीके से। अच्छा, इसके कीबोर्ड में एक और बड़ी मज़े की चीज़ है, कि आप कीबोर्ड की लाइट, नॉर्मल लैपटॉप में कीबोर्ड की लाइट का सिर्फ एक ही बटन होता है, या तो इसको ऑन कर लो या ऑफ़ कर लो, सही है। तो मगर इसमें क्या है कि इसमें आप उसको अपने हिसाब से देख लें, लाइट, स्ट्रॉन्ग और ऑफ, ये तीन ऑप्शन इसमें अवेलेबल हैं। फंक्शन की को प्रेस करके F11 प्रेस करेंगे, और यहाँ पे इसका लोगो दिया गया लाइट का, तो इसको हम एक दफ़ा प्रेस करेंगे, लाइट अपनी फुल परफॉर्मेंस पे, पीक परफॉर्मेंस पे ऑन होगी। जैसे अगेन हम फंक्शन की को पकड़ के प्रेस करेंगे, तो लाइट जो है वो डिम हो जाएगी, और थर्ड टाइम प्रेस करने पे लाइट कम्प्लीटली ऑफ हो जाएगी, जो कि काफ़ी खूबसूरत लगता है कि यार वो आँखों में पड़ नहीं रही कि यार अब अंधेरे में बैठे हो तो लाइट ऑफ करके, तो बहुत ज़्यादा जो है ना वो लाइट ही लाइट जो है ना, हर तरफ स्क्रीन की लाइट आ रही है और इसकी अपनी लाइट आ रही है, तो वो कोई इतना ज़्यादा जो है ना वो नहीं समझ में आती बात, वो आँखों को नुकसान देने वाली बात है।
ऑन स्क्रीन की जो रिकॉर्डिंग है वो स्टार्ट कर लिया ताकि कैमरे में अगर किसी तरह की कोई चीज़ रह जाए जो कि मेरा ऊपर वाला कैम स्क्रीन को मेरा नहीं ख्याल कि प्रॉपरली दिखा पाएगा, तो फिर भी मैं आपको दिखा सकूँ कि यहाँ पर हम लोगों ने कुछ रिकॉर्डिंग वगैरह स्टार्ट की है। तो अच्छा, अभी हम इसके सबसे पहले अगर बात करें कैमरा की, जो कि आजकल काफ़ी ज़्यादा अपीलिंग है कि जी हमारे पास ये वाला कैमरा वो वाला कैमरा, तो इसमें अगर हम इसके कैमरा को ऑन करें तो विच इज़ वेरी नाइस। ये जो शॉट है ये इसके अपने कैमरे का है जिसमें इसके ऑडियो और वीडियो के विजुअल्स दोनों इसी अपने कैमरे के हैं जो कि 720p पिक्सल्स और 30 fps के साथ रिकॉर्डिंग चल रही है। और ये शॉट इसी के साथ इसका अपना ओरिजिनल शॉट रिकॉर्ड हो जाएगा ताकि अटैच कर दूंगा मैं, ताकि आप लोगों को डिसाइड करने में आसानी रहे कि आपने ये मशीन इन फ्यूचर के लिए बाय करनी या नहीं करनी, ताकि प्रॉपर एक फील जो है ना वो आपको मैं किसी भी तरह दे सकूँ तो आपको अंदाज़ा हो जाए। अच्छा, इसके बाद हम अगर हम जैसे ही बात करें इसके प्रोसेसर की, तो प्रोसेसर हमें थोड़ा सा बताएगा कि क्या चीज़ है। अच्छा, तो इंटेल कोर i5 फिफ्थ जनरेशन 5200U प्रोसेसर देखने को मिलता है जो कि 2.2 GHz के साथ है, 8 GB रैम। और अगर हम इसके प्रोसेसर स्कोर की बात करें जो कि N22 पे हमें 1.9 मिलियन के अराउंड देखने को मिलता है। अच्छा, अगर हम बात करें इसमें स्टोरेज की, तो मार्केट में मल्टीपल स्टोरेज इसमें अवेलेबल हैं जिसमें कह लें कि अगर नॉर्मली ऑप्शंस नहीं देते, मगर मैं आपको फिर भी बता देता हूँ कि अगर आप इसको 128 SSD के साथ करें या 500 GB HDD के साथ करें तो कोई प्राइस स्लॉट पे ज़्यादा डिफरेंस नहीं बढ़ता होता। तो इसमें करंटली 128 GB की SSD ही है। और अगर हम इसके डिस्प्ले रेजोल्यूशन के ऊपर जाएँ तो डिस्प्ले रेजोल्यूशन में आ जाता है इसका डिस्प्ले, और डिस्प्ले की जो रेजोल्यूशन है 16x900 है इसकी डिस्प्ले रेजोल्यूशन है, और जो कि HD में आती है और एंटी ग्लेयर डिस्प्ले है। अच्छा, एंटी ग्लेयर डिस्प्ले मैं आपको थोड़ा सा बताता चलूँ, एंटी ग्लेयर डिस्प्ले वो होता है कि जिसमें लेयर्स ऑफ कोटिंग यूज़ की जाती है कि जिसमें लाइट का एक्सपोजर जो है ना काफ़ी ज़्यादा जो है ना कम रखा जाता है, जिसकी वजह से इसकी पिक्चर ऑफ क्वालिटी कंपैरेटिवली OLED डिस्प्ले और AMOLED डिस्प्ले के कंपैरिजन में कम आ जाती है। मगर इसका एडवांटेज ये मिलता है कि एक तो आपको किसी भी तरह का रिफ्लेक्शन, लेट्स सपोज आप आउटडोर एक्सपोजर करते हैं या लाइट का बहुत ज़्यादा एक्सपोजर होता है तो हमारी स्क्रीन डिम हो जाती है, नज़र नहीं आता या बड़ा गौर करना पड़ता है, तो एंटी ग्लेयर डिस्प्ले में ये मसले मसाइल नहीं आते। आप इजीली इसको धूप में, जो मैंने बात की थी अपनी वीडियो के स्टार्टिंग में, स्टूडेंट के लिए काफ़ी इंप्रेसिव होने वाली है डील ये, तो उसकी रीज़निंग यही थी कि स्टूडेंट का मोस्टली जो है ना कॉलेज गोइंग यूनिवर्सिटी गोइंग होती है तो उनको अपने कैंपस वगैरह में और इधर उधर जो आते जाते अक्सर मसला होता है कि यार ठीक है हम लोग अपना काम तो कर रहे हैं, किसी को प्रोजेक्ट दिखा रहे हैं, किसी दोस्त को बैठे यार इधर मैं आपको अपनी असाइनमेंट वगैरह दिखाता हूँ, सारे मामला करता हूँ, मगर वो कहता है कि यार अच्छा सारी स्क्रीन मेरी तरफ कर दो, तो वो जो दिखाने वाला होता है वो बैठ रहा था कि यार अब मैं इसको दिखाऊं क्या जब सारा कुछ ही अपने सामने रख के बैठ गया। तो एंटी ग्लेयर डिस्प्ले वहाँ पे आपको सपोर्ट करता है कि जहाँ पे लाइट का एक्सपोजर बहुत ज़्यादा होगा आपकी स्क्रीन को फेड होने से बचाएगा, सही है। तो अगर आप मल्टी डिस्प्ले यूज़र हैं, आप यूज़ करते हैं AMOLED डिस्प्ले या OLED डिस्प्ले जो कि क्वाइट हमें देखने को मिलता है आजकल के सैमसंग की सीरीज़ में, आईफोन में, या फिर जो है डेल XPS की सीरीज़ में, HP ओमन सीरीज़ में, तो काफ़ी ज़्यादा एक रेंज है डिस्प्लेज की ना, तो उनमें देखने को मिलता है। तो आप मल्टीपल लैपटॉप्स के यूज़र हैं तो फिर आप इस चीज़ को थोड़ा सा अवॉइड कीजिएगा, काफ़ी सपोर्टेड रहेगा आपके आउटडोर एक्सपीरियंस के लिए। तो इसमें अभी अगर हम चलें इसके साउंड की तरफ, तो मैं आपको डायरेक्ट इसका साउंड प्ले करके दिखाता हूँ। डॉल्बी का काफ़ी प्रीमियम साउंड इसमें दिया गया, डॉल्बी की ब्रांडिंग का यहाँ पे एक लेवल था ज़रूर, वो मेरा ख्याल है कि वो किसी ने हटा दिया यहाँ से। तो अभी जो इसका साउंड है वो इसका एक्चुअल अपना साउंड है। ये इसका अपना फुल साउंड है। और अगर हम बात करें इसके डिस्प्ले की, तो इसके VGA की जो कि इसका ग्राफिक कार्ड है तो वो इंटेल HD 500 ग्राफिक्स है, जो कि हमें काफ़ी सपोर्ट करेगा, लाइक प्रीमियर वगैरह में तो नहीं काम करेगा, मगर अगर हमारा नॉर्मल डुअल डिस्प्ले वगैरह हम लेते हैं तो उस डुअल स्क्रीन के ऊपर काम करेगा, और उसके बाद हमें सपोर्ट करेगा नॉर्मल पिक्चर एडिटिंग के ऊपर, वीडियो एडिटिंग या रेंडरिंग की हम बात नहीं कर रहे, 3D Max AutoCAD वगैरह, ये उन लोगों के लिए प्रोफेशनल मशीन नहीं है, हम बिजनेस क्लास यूज़र और कॉलेज स्टूडेंट्स वगैरह के लिए असाइनमेंट्स वगैरह बनाने के लिए क्वाइट सिंपल और हैवी मशीन है। और अगर हम इसके प्राइस टैग की बात करें, मैं आपको लास्ट में बताऊंगा कि प्राइस टैग आपने इसको कहां से कितने का और कैसे बाय करना है।
सो ये तो थी इसकी फंक्शनल फीचर्स की थोड़ी सी डिटेल। अब बात कर लीजिए इसकी आफ्टर मार्केट पार्ट्स की, तो इसके हार्डवेयर का थोड़ा सा एक्सपोजर करते हैं, जो कि मेरा नहीं ख्याल कि नॉर्मल रूटीन में वीडियोज़ में देखा जाता है या बताया जाता है, तो चलें स्टार्ट करते हैं। तो इसका सबसे पहले इस लॉक को हम हटाएंगे, तो इसका जो ई पैनल है, ई पैनल का कवर है वो स्लाइड करके बाहर आ जाएगा इजीली, उसको हम साइड पर रख देते हैं। अब लैपटॉप अपना काफ़ी ज़्यादा जो है एक्सपोज कर चुका है यहाँ पे, तो जिसमें सबसे पहले जो है इसकी बैटरी देखने को मिलती है, CM03XL बैटरी, इसकी लियोन बैटरी 3 सेल देखने को मिल जाती है, जिसमें 3 to 4 hours मल्टीमीडिया बैटरी टाइम देखने को मिलता है। और उसके बाद अगर हम बात करें इसकी स्टोरेज कैपेसिटी की, तो इसकी स्टोरेज में हमें 2 slots मिलते हैं, और जो कि एक SSD कार्ड डेडिकेटेड स्लॉट है और दूसरा हार्ड ड्राइव का स्लॉट है, जिसके अंदर हम नॉर्मल 2.5 वाली SSD भी लगा सकते हैं। तो मार्केट में अगर आपको 7200 RPM 500 GB के साथ ये यूनिट मिलता है तब भी परेशानी वाली बात नहीं है, आप उसको एक्सचेंज करवा सकते हैं विदाउट आफ्टर मार्केट, अगर कोई लगाता है तो लगाता है, मगर अभी आज की डेट में, आज डेट है 22/10/2023, आज की डेट में हम लोग फिलहाल भी कोई डिफरेंस नहीं लगा रहे, ये प्राइस वैलिड है स्टिल दिस वीक तक, इस वीकेंड तक। और अगर आप 500 GB का यूनिट बाय कर लें या फिर इसको रिप्लेस कर लें 128 SSD के साथ, तो प्राइस का कोई डिफरेंस नहीं है। और अगर आप 500 GB हार्ड ड्राइव के साथ लेते हो, इन फ्यूचर अगर आप इसको अपग्रेड करते हैं SSD कार्ड के ऊपर, तो वो स्लॉट भी इसमें अवेलेबल है, जो कि इसमें NVMe 2 2042 कार्ड लगेगा, इसमें मल्टीपल साइजेज आ रहे होते हैं 2042 2260 2280, तो इस तरह करके मल्टीपल हैं, मगर इसमें 2042 कार्ड लगेगा, जो कि सबसे छोटा साइज आता है। और अगर हम देखें यहाँ पे, तो ये इसका वेंटिलेशन फ़ैन है, जो कि इसकी पूरी VGA कार्ड और प्रोसेसर की हीट को यहाँ से ले जाके यहाँ से थ्रो कर देता है। और इसके बाद रैम बैंक है, जिसपे 4 GB के 2 मॉड्यूल रैम के देखने को मिलते हैं, और ये डुअल बैंड इसका वाईफाई ब्लूटूथ कार्ड है, जिसके अंदर हमें इसकी देखने को मिल जाती है वाईफाई और ब्लूटूथ दोनों की फिजिबिलिटी। तो इसी के साथ लैपटॉप को क्लोज़ करते हैं। और अच्छा, ये तो थी इसकी हार्डवेयर डिटेल, अब बात कीजिए आफ्टर मार्केट की। तो आफ्टर मार्केट में हमें इसके जो पार्ट्स हैं, लाइक इसका कीबोर्ड हो गया, इसका LED डिस्प्ले हो गया, इसके स्पीकर्स हो गए, कीबोर्ड हो गए, और कैमरा माइक हो गया, और मदरबोर्ड वगैरह हो गया, मार्केट से इजीली अवेलेबल हैं। और अगर इसके हम प्राइस टैग की बात करें, तो आपको 40,000 के प्राइस स्लॉट में 500 GB या फिर 128 SSD के साथ दोनों ऑप्शन में अवेलेबल है। अगर आप इस लैपटॉप को बाय करना चाहें, ऑर्डर करना चाहें, तो लिंक इन द डिस्क्रिप्शन। और इसी तरह की मजीद वीडियोस के लिए चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। दिस इज़ वैसली साइनिंग ऑफ, अल्लाह हाफिज़।